तो आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है लिस्ट मैनिपुलेशन। और अगर तुमने डेटा हैंडलिंग का चैप्टर अगर पढ़ कर रखा हुआ है तो उसमें तुमने अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा सिक्वेंशियल डेटा टाइप है जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर एल नाम का हमने एक लिस्ट बना लिया, और लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसके अंदर हम कॉमा से सेपरेट करके अलग अलग एलिमेंट्स लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने राम लिखा, फिर यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, यहाँ मैंने 2 डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पर 45 ऐसे करके, और फिर ठीक है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर करके रख दिया है। ठीक है, अब चाहे वो कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है। तो ये एक लिस्ट हो गया मेरा। ठीक है, इसको हम लिस्ट कहते हैं। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि लिस्ट जो होते हैं वो म्यूटेबल डेटा टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम लिस्ट के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एल में अगर मुझे मान लेते हैं इस 1 को चेंज करना है, ठीक है, चाहे तो मान लेते हैं कि इस 45 को चेंज करना है मुझे, तो 45 कौन से इंडेक्स पे है? ये 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकेंड इंडेक्स पे है, और ये थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एल ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने एल ऑफ 3 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन दूंगा, और इसके जगह पर मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पर मैं कोई दूसरा डेटा टाइप भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 0.7 कर दिया। ठीक है, तो क्या ये होगा? देख लेते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एल को प्रिंट करवा लिया, अब देखते हैं एल में क्या आता है। हाँ, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो 0.7 आ चुका है, यानी जो 45 है वो चेंज हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा लिस्ट जो डेटा टाइप है वो म्यूटेबल टाइप का है। हमारे पास आगे एक और चैप्टर है जो कि ये टपल, वो काफ़ी सिमिलर है लिस्ट से, लेकिन वो सिमिलर है, वो सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसमें मेन डिफरेंस तो यही है, मेन डिफरेंस उसमें यही है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है और टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, बाकी बहुत ज़्यादा हद तक ये सिमिलर है। ठीक है, तो लिस्ट समझ जाओगे तो टपल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात ये है कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये तो तुमने देख लिया कि इस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल तरीका जरा मैं और अच्छे से बता दूं जो तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एल ले लिया, और एल इक्वल टू एल नाम का मैंने एक वेरिएबल दिया है, और इसके अंदर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दूं तो ये मेरा एक एम्प्टी लिस्ट बन गया। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप भी तुमको प्रिंट करके दिखाऊं तो ये मेरे को बता देगा कि ये जो है वो लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, देखो यहाँ पर तुम्हें ये लिस्ट बता रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने इस तरह से लिस्ट को क्रिएट किया है, लेकिन ये जो एम्प्टी लिस्ट मैंने क्रिएट किया है इसको क्रिएट करने का एक और तरीका है। यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिस्ट फंक्शन यूज कर दो। देखो, लिस्ट फंक्शन हम कब यूज करते हैं? जब किसी डेटा टाइप को हम लिस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लिस्ट डेटा टाइप यहाँ पर लिख दूँ, और मैं यहाँ पर अगर सिर्फ एल को प्रिंट कराऊँ, ठीक है, एल को मैंने क्या डाला है? बस लिस्ट का फंक्शन मैंने इसमें डाल दिया, और लिस्ट के फंक्शन के अंदर कुछ नहीं है, तो ये एक मेरा एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एल प्रिंट करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये एक एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। ठीक है, और फिर तुम चाहो तो कितने भी लंबे लिस्ट बना सकते हो, बस तुम्हें क्या करना है, एलिमेंट्स भरते जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जितना एलिमेंट तुम्हें जो कुछ भी भरना है तुम भरते रहो। ठीक है, फिर हो सकता है तुमने ऊपर में कोई एक वेरिएबल असाइन कर दिया हो। मान लेते हैं तुमने बी नाम का एक वेरिएबल लिख दिया, और इसके अंदर तुम कोई अच्छी चीज़ डाल रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर तुम बी लिख रहे हो, तो ये वो समझ जाएगा कि तुमने क्या डाला इसमें। ठीक है, तो मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, मैंने प्रिंट नहीं कराया अभी से, अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करवा के दिखाऊँ तुम्हें, तो यहाँ तुम देख सकते हो ये समझ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ होता है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है कि तुम, जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट में तुम किसी भी डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो एलिमेंट बनाने के लिए, तो तुम यहाँ पर क्या लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो? हाँ, तुम यूज़ कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, और इसका यूज़ 2D लिस्ट में भी है। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक टॉपिक है तुम्हारे पास, देखो 2D लिस्ट का यहाँ पर टॉपिक है। यहाँ पर मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद तो फिर तुम्हें मैं ऐसे डिटेल में भी बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं अगर कोई एक यहाँ पर अगर मैं एक लिस्ट बनाकर दिखाऊँ तुम्हें, तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने नाम का एक लिस्ट बना लिया, जैसे ठीक है ये मैंने लिख लिया, फिर यहाँ पर मैं और क्या लिख लूँ, मैं समीर लिख देता हूँ। ठीक है, और क्या लिख दूँ मैं, अजय। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है इस लिस्ट में? 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये 6, 7 और 8।
आठ एलिमेंट है टोटल। अगर मैं तुम्हें इसका लेंथ दिखाऊं, लेन ऑफ एल, तो ये मेरे को आठ लिख के देगा, ठीक है? यहाँ देख रहे हो तुम, ये मेरे को आठ लिख के दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जो है वो ये जो ये लिस्ट है वो भी एक एलिमेंट है इस लिस्ट के लिए, ठीक है? इस लिस्ट के लिए एक एलिमेंट है, समझ गए? तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो अब देखो, मैंने यहां पर तुम्हें लिस्ट फंक्शन के बारे में बताया था, ठीक है? मैंने तुम्हें लिस्ट फंक्शन के बारे में क्या बताया था कि लिस्ट फंक्शन हमें क्या करता है, वो कन्वर्ट करके देता है हमें किसी लिस्ट को, ठीक है? मतलब किसी भी एक किसी भी अलग डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पहले से एक तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, नेम नाम का। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं स्टोर करता हूँ अपना ही नाम, सॉरी स्ट्रिंग में स्टोर, हाँ स्ट्रिंग में ही तो है राजनाथ, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ अपने नाम को, तो फिर क्या होगा, तो भी तब ये क्या करेगा, ये मेरे अलग अलग लेटर्स को अलग अलग एलिमेंट्स बना देगा लिस्ट के लिए, ठीक है? यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ लिस्ट, और फिर मैंने अपने इसके अंदर ये डाल दिया। अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊँ, यहाँ पर मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को लेंथ नहीं चाहिए इसका, मेरे को ये चाहिए, ठीक है? मेरे को एल चाहिए, एल प्रिंट करके दो, ठीक है? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हर एक लेटर जो है वो एक एलिमेंट बन चुका है मेरे लिस्ट का, ठीक है? तो ये काम हो सकता है यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके। और अब मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ कि लिस्ट्स में हम इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा इसको हटा के इनपुट, ठीक है? एंटर फ्रॉम 1 to 10, ये मान लेते हैं हम, हमने ये लिख लिया, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, पहले मैं तुम्हें इंटीजर में दिखाता हूँ, मतलब एंटर या ये जो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज है वो तो इंटीजर में ही होंगी ना, तो पहले ये मैं तुम्हें इंटीजर में दिखा देता हूँ, उसके बाद में तुम्हें स्ट्रिंग में भी दिखाऊंगा। तो ये मैं प्रिंट पहले इनपुट ले लेता हूँ यूजर से। तो अब ये मेरे को क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सजा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर पहले स्पेस कोलोन और फिर स्पेस, ठीक है? अब ये थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ आएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर कैसे वैल्यूज डालूंगा, पहले मैंने 1 डाला, फिर मैं एंटर करूंगा, ठीक है? तो अब ये मेरे को क्या कर रहा है कि डायरेक्ट ऐसे दे दे रहा है, ठीक है, 1 प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही वैल्यू डाल के एंटर किया, तो उसमें वहीं पर लिस्ट मेरा बनना खत्म हो जा रहा है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज डालना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं 1 डालूंगा, फिर 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10। अगर मैं अब एंटर करूँ तो क्या होता है, तो तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर स्पेस आ जा रहा है बीच में। तो अब तुम करोगे तो करोगे क्या, क्योंकि अगर तुम पहले ही एंटर दबा रहे हो तो उस वक्त क्या हो रहा है कि हमारा जो है वो इनपुट खत्म हो जा रहा है, ठीक है? वो इनपुट लेना खत्म कर दे रहा है। और यहां पर अगर तुम स्पेस डाल रहे हो तो वो स्पेस को भी एक अलग एलिमेंट बना रहा है। तो इस केस में तुम क्या करोगे, ठीक है? तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, पहले उससे पहले एक और चीज यहां पर तुम देखो। अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज ऐसे लिखता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अगर मैं अब एंटर करूँ तो क्या होता है, देखो अब इसने वैल्यूज तो सही ली हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरा 10 आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, तो उसको इसने 1 अलग लिख लिया और 0 अलग लिख लिया। मतलब इसने क्या किया, हर एक डिजिट को इसने अलग अलग करके एक एलिमेंट बना दिया, ठीक है? तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 लिखना चाह रहा हूँ और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये 1 को अलग समझ रहे हैं और 0 को अलग समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास एक अच्छा फंक्शन आता है, उसे हम कहते हैं इवैल फंक्शन, ठीक है? तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है लिस्ट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इवैल लिखेंगे। इवैल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम मैं यहाँ पर इवैल लिखूँ तो यूजर मेरे को खुद बता देगा कि ये लिस्ट डेटा टाइप है और मैं इस तरह से इसका इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है? और यही तुम्हें यूज करना है अपने लिस्ट फंक्शन, लिस्ट जब भी तुम यूजर से इनपुट लो तो तुम्हें इवैल यूज करना है। तुम्हें जब तुम लिस्ट एंटर करवा रहे हो तो फिर तुम्हें इवैल यूज करना है, तुम अगर टपल भी एंटर करवा रहे हो तब भी तुम्हें इवैल यूज करना है, तो ये थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है? अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो यहाँ पर अब क्या करूंगा, अब मैं ब्रैकेट्स के साथ डालूंगा चीजें, ठीक है? 1 अलग, सॉरी मैं फिर से अच्छे से लिखता हूँ इसे, यहाँ पर मेरे को शुरू से इसमें ढंग से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं VS कोड में लिखता हूँ वैसे नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ये तो मेरा टर्मिनल है, ठीक है? VS कोड के ही अंदर टर्मिनल है। तो यहाँ पर मैं खाली ये ब्रैकेट खोलूंगा, फिर यहाँ पर मेरे को 1 लिखना है, कॉमा 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? अब इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा आउटपुट जो है वो आ चुका है। इसने समझ लिया कि लिस्ट है क्या, और मैं यहीं पर तुम्हें एंटर नेम्स कर देता हूँ, ठीक है? एंटर नेम्स,
क्योंकि मैंने बोला था तुम्हें मैं स्ट्रिंग्स में भी समझाऊंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी तुम्हें। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोलूँगा, उसके बाद यहाँ पर पहले मैं अच्छा नाम डाल दूँगा और उसके बाद फिर मैं और भी कुछ नाम डाल दूँगा, ठीक है, जैसे अजय और उसके बाद अमन, ठीक है। इन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। खैर मैंने कुछ गलती किया यहाँ पर, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप लिख रहा हूँ, तो मेरे को ये भी सजेस्ट करना पड़ेगा ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैंने खुद का नाम लिखा और उसके बाद फिर मान लेते मैंने एक और नाम लिख दिया अमन, ठीक है, और मैंने इसे क्लोज कर दिया। अगर मैं इसे अभी रन करूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर तुम समझ गए होगे कि eval फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पर eval फंक्शन में क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर eval फंक्शन में सिर्फ अपना नाम डाल दिया, तब क्या होगा? देखो यहाँ पर ये एरर कह रहा है, क्योंकि भाई ये राजनाथ समझ नहीं रहे ना। देखो eval फंक्शन हमें क्या करता है कि eval फंक्शन हम जब लिख रहे हैं तो यूजर को खुद ही डिफाइन करना पड़ता है कि वो जो डेटा टाइप दे रहा है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है, अब ये समझ जाएगा, ठीक है, अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसने डायरेक्ट मेरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। वहीं अगर मैं इंटीजर में वैल्यू डालूँ तब क्या होगा? देखो इंटीजर में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। तो ये काम इस तरह से करता है eval फंक्शन। तुम्हें बहुत यूजफुल बहुत लग रहा होगा तुम्हें अभी, और वो है भी बहुत यूजफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि अगर तुमने लिस्ट मैनिपुलेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, सॉरी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो तुमने उसमें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसी चीज़ें पढ़ी होंगी, उसमें रेप्लिकेशन, कॉनकैटेनेशन, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो सब वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, और मैं तुम्हें सब कुछ समझाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर स्ट्रिंग्स और लिस्ट में यही अंतर है कि स्ट्रिंग जो था वो इम्यूटेबल था, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। खैर अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं तुम्हें लिस्ट के इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में बता देता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स बना लिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मान लेते हैं मैंने एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि अब मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ। तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है लिस्ट के किसी एक एलिमेंट को उठाकर दिखाना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैं यहाँ पर यूजर से ना इनपुट लेके मान लेते हैं कि मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं पहले खुद ही एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, L1 इसका नाम रख लेते हैं, और यहाँ पर इसमें हम क्या रख दें, इसके अंदर हम रख देते हैं 1, सॉरी इसके अंदर हम कुछ नंबर्स रख देते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े हमें कि क्या रखना है लिस्ट में। तो यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम नंबर्स रख लिए हैं, ठीक है, रख लिए ना। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग करने वाला हूँ। तो इंडेक्सिंग स्ट्रिंग्स में जिस तरह से होती थी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग, वैसे यहाँ पर भी होता है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेकर n-1 तक। n मान लेते हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, समझ गए, n-1 यानी 4, 5-1, 4, ठीक है। तो 0 से लेकर n-1 तक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स क्या है 2, इसका इंडेक्स क्या है 4, ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अभी मैं बात करूँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो ये -1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है, अगर मुझे यहाँ से 4 को एक्सेस करना है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं L of 0, 1, 2 लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पर इसे रन करूँ तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर कहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर L, मैंने यहाँ पर L1 मेरे को लिखना चाहिए था, क्योंकि ये L1 है वेरिएबल का नाम। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मुझे 4 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसी 4 को बैकवर्ड इंडेक्सिंग से एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर -1, -2, -3 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं -3 लिखता हूँ, -3। अब मैं इसे एंटर करूँगा यानी रन करूँगा, तो ये मेरे को फिर से 4 मिल गया। तो ये था इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं स्लाइसिंग के बारे में। तो स्लाइसिंग क्या होता है, वही एक रेंज से उठाना, ठीक है, चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मुझे 3 से लेकर 2 तक की चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मैं उसके लिए यहाँ पर से लिख दूंगा, यहाँ पर ये क्या है, 0, 1, ठीक है, 1 से लेकर 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 से लेकर 4 लिखूंगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये मुझे यहाँ से उठा के देगा चीज़ें, और जैसे ही इसके पास 4 आएगा ये रुक जाएगा, ठीक है, 4 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है, 1
टू और थ्री, और फोर को ये इंक्लूड नहीं करने वाला है, ठीक है। फोर जैसे ही इसे मिलेगा ये स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप वैल्यू होती है यहाँ पर, समझ गए। अगर इसे मैं अभी रन करके दिखाऊँ तुम्हें, तो यहाँ पर मुझे इस रेंज की वैल्यूज दिख रही है थ्री से लेकर टू तक, ठीक है। और यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू डालूँ, ठीक है, स्टेप वैल्यू अगर मैं यहाँ पर टू डाल दूँ, तब ये क्या करेगा, तब यहाँ पर एक एक वैल्यू स्किप करेगा, यानी कि पहले फर्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर वन पे जो चीज़ है उसे उसे दिखाएगा, उसे लेगा, और उसके बाद फिर उसमें अगर प्लस कर देंगे टू, यानी वन प्लस टू क्या हो गया थ्री, तो थर्ड इंडेक्स पे जो चीज़ है उसे रखेगा, और फिर थर्ड इंडेक्स के बाद थ्री प्लस टू क्या हो गया फाइव, तो फाइव फिफ्थ एलिमेंट तो यहाँ पर उसके लिए लिखा भी नहीं हुआ है ना यहाँ पर इंडेक्स, तो उस चीज़ को वो नहीं लेगा, समझ गए। तो यहाँ पर अगर इसमें रन करूँ तो ये मुझे बस दो चीज़ें लिख के देगा, थ्री और टू, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से थोड़ा पीछे जाके समझ लो, हो गया। तो ये था इंडेक्सिंग, और अगर यहाँ पर तुम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मान लेते हैं शुरू से यहाँ पर मान लेते हैं तुम्हें फाइव से लेकर फोर तक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, ये फाइव क्या है, माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री, तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, माइनस वन से तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हें माइनस थ्री चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिखने वाले हो माइनस फोर, समझ गए। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू को नहीं लेता है वो, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप वैल्यू में तुम्हें, अगर तुम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें स्टेप वैल्यू में माइनस वन लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे, यहाँ पर मेरे को इस तरह से वैल्यूज मिल गई। और अगर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू ना दूँ, तो अगर मैं इसे भी रन करके दूँ, तो ये मेरे को यहाँ पर ये ऐसे बता रहा है, क्योंकि ये जब यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है, तो इसको मिलेगा ही नहीं कि इसको जाना कहाँ तक है, ठीक है, तो ये करेगा ही नहीं कुछ, तो फिर जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये एलिमेंट्स कहाँ से उठा पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टेप वैल्यू वन होती है, ठीक है, तो अगर तुम माइनस वन प्लस वन करो तो फिर वो जीरो इंडेक्स पे चला जाएगा, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जीरो नाम की कोई चीज़ होती है क्या, नहीं होती, तो बस यहाँ पर तुम्हें माइनस वन देना होगा, समझ गए, सॉरी। तो ये था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कि ये ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ये तुमने सॉरी ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट, जो कि तुमने पढ़ा होगा स्ट्रिंग्स में भी, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम पढ़ लो। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि लिस्ट के एक एक एलिमेंट को लेके प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, तो कौन सा लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर आई एन और यहाँ पर एल वन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ प्रिंट करवाते हैं हम आई को, ठीक है, ऐसे करके ये एक एक एलिमेंट्स ला के देगा। तो आई में पहले एल वन का पहला एलिमेंट जाएगा, फिर प्रिंट होगा, यानी नीचे फॉर की बॉडी में जो कुछ भी होगा वो सारे स्टेटमेंट चलेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है फिलहाल, तो पहले आई में वन जाएगा, एल वन का पहला एलिमेंट जाएगा आई में, ठीक है, कौन सा, सिक्स, तो फिर सिक्स जाएगा, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा सिक्स। उसके बाद फिर वापस से जब लूप चलेगा तो उसके बाद फिर आई के पास एल वन की दूसरी वैल्यू चली जाएगी जो कि ये थ्री, फिर यहाँ पर थ्री प्रिंट होगा, उस तरह से फिर फोर प्रिंट होगा, फिर टू, फिर फाइव, इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक एक करके वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ये सारे साथ में प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंट को थोड़ा छेड़ सकता हूँ, एंड इक्वल्स टू ये, ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो सब साथ में आ गया। और अगर मैं इसको हटा के ये करूँ तो अब तुम ये भी देख रहे हो, समझ गए, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो तुम्हारे बुक में मुझे एक अच्छा प्रोग्राम मिल रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि उसमें तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें तुम्हें हर एक एलिमेंट प्रिंट करवाना है, यानी कि यही सिर्फ ट्रैवर्स कराना है, और उसमें तुम्हें एक एक करके ये भी दिखाना है कि ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग इसका ये है और बैकवर्ड इंडेक्स ये है, ठीक है। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये खुद ट्राई करो। लिस्ट जो है वो ये है, एल इक्वल्स टू, क्यू डब्ल्यू ई आर, ठीक है, टी वाई, ठीक है, तो ये लिस्ट है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इनपुट सॉरी आउटपुट ये आए कि लिखा हुआ हो इस तरह से कि एट इंडेक्स जीरो एंड माइनस सिक्स एलिमेंट, ठीक है, तो क्यू है, समझ गए, यानी कि जीरो इंडेक्स और जीरो और माइनस सिक्स इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो क्यू है, उसी तरह से टू और माइनस फोर एलिमेंट पे जो एलिमेंट है वो ई है, इस तरह से प्रोग्राम लिखा हुआ आए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, तुम बना सकते हो उसे, इससे तुम्हें क्या होगा कि ट्रैवर्सिंग और क्या क्या चीज़ें हैं, लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो सब कुछ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसे अब तुम मैं चाहता हूँ कि पहले तुम खुद बनाओ, और
अगर तुमने बना लिया या फिर ट्राई कर लिया तो चलो मैं अब ट्राई करता हूँ इसे बनाने का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले फॉर लूप का यूज करूंगा। तो फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब रेंज में मैं क्या लेता हूँ, पहले स्टार्टिंग वैल्यू लेता हूँ, उसके बाद फिर स्टॉप वैल्यू लेता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसके बाद स्टेप वैल्यू भी ले सकता हूँ। तो मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से होनी चाहिए। और अगर जीरो में ना भी लिखूँ तो ये बाय डिफॉल्ट शुरू का जीरो ले लेता है। और उसके बाद मेरे को सेकंड में क्या डालना है, सेकंड में मेरे को स्टॉप वैल्यू डालना है। तो स्टॉप वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टॉप वैल्यू होनी चाहिए इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। और 6 एलिमेंट्स हैं तो मान लेते हैं कि ये कुछ और होता, ठीक है। यहाँ पर मेरे को नहीं पता है कितने एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ये कोई और लिस्ट होता और मेरे को काउंट नहीं करना होता, तो डायरेक्ट मैं लेन फंक्शन का यूज कर सकता था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लेन डालूँ, लेन ऑफ एल, तो लेन ऑफ एल मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए, 6 रिटर्न करके देना चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि मैं एल डाल रहा हूँ तो ये मेरे को 6 रिटर्न करके देगा। यानी कि ये रेंज फंक्शन के अंदर मेरा क्या लिखा हुआ हो जाएगा, ये क्या समझेगा, 0,6। तो देखो यहाँ पर मैंने लेन ऑफ एल डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 0,6, और यहाँ पर ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, और 6 वाली चीज तो यहाँ पर लेने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर 6 तक डाला हुआ है। 6 तक क्यों आया, क्योंकि 6 में ये कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। स्टेप वैल्यू को ये नहीं काउंट करता, ये 0 से लेकर n-1 तक ही चलता है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 6 तक चल जाएगा, सॉरी 0 से लेकर 5 तक चल जाएगा, यानी कि टोटल 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये था फॉर, इस तरह से चलेगा हमारा। और अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि ये प्रिंट क्या करने वाला है। तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा क्या, तो सबसे पहले अगर मैं पहले एलिमेंट के बारे में बात करूं तो ये कौन सा इंडेक्स है, तो ये है 0, 0th इंडेक्स पे और -n इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो यहां पर -n के जगह पे यहां पर मैं क्या लिखूंगा, -i लिखूंगा, क्योंकि मैं i से चला रहा हूं इस चीज को। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि प्रिंट, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ आए क्या, कि एलिमेंट एट, यहां पर चलो मैं लिख देता हूं प्रिंट एलिमेंट एट, ठीक है। और उसके बाद कोई एक इंडेक्स रहेगा, ठीक है, एट ये इन ये, ठीक है। कोई एक यहाँ पर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देंगे हम यहाँ पर, एंड सॉरी एंड, अब यहाँ पर भी हम फॉर बैक, यहाँ पर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग देंगे, और फिर हम लिखेंगे क्या इंडेक्स इज, और उसके बाद फिर ये, और उसके बाद हम यहाँ पर उस चीज को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लिखना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे, तो एलिमेंट का जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगा तो यहाँ पर वो 0 से स्टार्ट होगा ना, हम जाहिर सी बात है। यहाँ पर आई में सबसे पहला वैल्यू 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, 3, 4, 5, इस तरह करके जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आई का यूज कर लेंगे, ठीक है। मैंने कर ली आई का यूज। तो यहां पर मेरे को क्या चाहिए, यहां पर अब मेरे को बैकवर्ड इंडेक्सिंग चाहिए, ठीक है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग अगर मैं यहां पर मान लेते हैं पहले वाले के बारे में बात करूं, तो इसका बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये -5 हो जाएगा, 4 मतलब -4, -3, -2, और ये -1। तो ये यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई का तो हमें पता है कि ये चेंज हो रहा है, आई चेंज होता रहेगा यहाँ पर हर एक आई के लिए, यहाँ पर ऊपर में एक आई नया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग में क्या डालें, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और अगर तुम्हारा दिमाग यहाँ पर नहीं लग रहा है तो तुम एक काम करो, तुम डायरेक्ट यहाँ पर पहले एलिमेंट से के लिए सोच के करो, ठीक है। तो पहले एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये -6 है, तो मैं यहाँ पर -6 लगाना चाहूंगा। तो माइनस लेन ऑफ एल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस लेन ऑफ एल। लेकिन माइनस लेन ऑफ एल तो हमेशा फिक्स रहेगा ना, ये कहीं चेंज थोड़ी हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा हर बार जो है वो बैकवर्ड इंडेक्सिंग -6 ही आएगा। तो हर एक चीज के लिए -6 तो नहीं है ना बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे। तो तुम यहां पर देख सकते हो कि -l से, -l अगर हम 0 में से माइनस करें, ठीक है, अगर हम 0 में से माइनस करें माइनस ऑफ लेन ऑफ एल, तो यही चीज हमारे पास आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 1 से अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस लेन ऑफ एल क्या आएगा, 1 -6 क्या आएगा, -5, ठीक है। तो ये -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4, -3, -2, -1, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू ही तो है ना, जो पहले 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, ठीक है, आई की तो वैल्यू है।
तो इस चीज से अगर हम माइनस करेंगे लेन ऑफ एल तो हमारे पास बैकवर्ड इंडेक्सिंग आ जा रही है और इंडेक्स इज, और उसके बाद हमें यहां पर वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पर मैं कोई भी एक इंडेक्स ले सकता हूं, या तो मैं ये इंडेक्स ले सकता हूं या तो ये इंडेक्स ले सकता हूं, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूं। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं L, क्योंकि हमारा जो लिस्ट है लिस्ट का नाम क्या है, L है, ठीक है, कोई बात नहीं चलेगा। तो L ऑफ, और यहां पर मेरे को इंडेक्स डालना है बस, तो इंडेक्स में क्या डालूं, ये डालूं या फिर ये डालूं, चलो मैं इसी इंडेक्स को डालता हूं, बैकवर्ड इंडेक्स को, ठीक है। तो दोनों में हमारा सेम आउटपुट आएगा क्योंकि तरीका बस अलग है लेकिन है तो दोनों सेम ही चीज है। तो अब मैं यहां पर इसे रन करके दिखाता हूं तुम्हें, तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है एलिमेंट एट जीरो एंड माइनस सिक्स इंडेक्स इज क्यू, फिर वन एंड माइनस फाइव इज डब्ल्यू, फिर देख रहे हो यहां पर तुम पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है। तो ये थोड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा मेरे को इसलिए मैंने ये तुम्हें बता दिया। अब इसे मैं हटाता हूं यहां से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट में हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में अभी हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ये भी देखने वाले हैं कि लिस्ट में हम कंपैरिजन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहला तो तुम्हें पता है कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि लिस्ट जो है वो इक्वल है या नहीं। तो हम L1 नाम का एक लिस्ट बनाते हैं, इसमें हम कुछ वैल्यूज रखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर L2 नाम का एक लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, और अब मैं इसमें वैल्यूज रख देता हूँ, ये रख देता हूँ, मान लेते हैं इस तरह से उल्टी वैल्यूज रख देता हूँ 5 4 3 2 1। और क्योंकि ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप है तो इसे सीक्वेंस जरूरी है इसमें, तो ये दोनों तो मैं पता है कि लिस्ट इक्वल है नहीं, ठीक है। और अगर मैं इसका ये कॉपी बना दूं और इसका नाम मैं L3 कर दूं, तो चलो अब यहां पर चेक करते हैं कि लिस्ट को इक्वालिटी के लिए कैसे चेक करते हैं। तो प्रिंट L1 इक्वल्स टू इक्वल्स टू L2, ठीक है। तो क्या L1 और L2 इक्वल है, नहीं है। अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं तुम्हें तो फॉल्स बोल रहा है, ठीक है, सही बोल रहा है। और अगर L3 कर दूं तो क्या L1 L3 इक्वल है, नहीं, ठीक है, फॉल्स बता रहा है, सही बता रहा है। और क्या L2 और L3 इक्वल है, तो यहां पर मैं L2 करता हूं और अगर मैं इसे भी रन करूं तो ये मेरे को अब ट्रू बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है, मतलब इक्वालिटी का तो इस तरह से काम करता है। अब क्या हमारे पास और भी चीजें हैं, देखो यहां पर मैंने L लिखा हुआ, ये 1 नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना तुम। और यहां पर इक्वालिटी का तो ये है, तो क्या यहां पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर L1 कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसे अभी रन करूं, यानी कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि अभी तुम्हारा ध्यान जाए L1 और L3 में। तो L1 और L3 में तुम देख सकते हो कि लेंथ किस दोनों का इक्वल है, ठीक है, लेंथ इक्वल है दोनों का, बस वैल्यूज अलग अलग है। तो मैं यहां पर इसे ये कह रहा हूं कि L1 जो है वो L3 से बड़ा है, तो अगर मैं इसे अभी रन करके देखूं तो ये मेरे को फॉल्स बता रहा है, क्यों, क्योंकि L1 की जो पहली वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, तो सबसे ये क्या देखता है, ये पहली वैल्यू देखता है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में अभी यहां पर तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर लेंथ अलग हो तो क्या होगा, मतलब मान के चलते हैं कि यहां पर L1 जो है वो छोटा है, ठीक है, इसको नहीं, यहां पर इसकी इसकी लेंथ चेंज करते हैं हम। अब देखो, अब यहां पर लेंथ किसकी कम है, L3 की, तो अब क्या होगा, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, L3 छोटा है, ठीक है, अगर मैं अभी रन करूं तो ये क्या बता रहा है, फॉल्स, ठीक है, यानी कि लेंथ का इसमें कोई काम नहीं है, इसमें काम है तो किसका है, इसमें पहली एलिमेंट का काम है, ठीक है। और पहला एलिमेंट भी अगर इक्वल हो गया फिर दूसरा एलिमेंट का काम है, दूसरा एलिमेंट इक्वल हो गया तीसरे एलिमेंट का काम है, और ऐसे करते करते अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये देखेगा कि किसका लेंथ बड़ा है, मतलब कि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और जिसमें होंगे वो एलिमेंट, वो जो लिस्ट है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट का इस तरह से काम होता है। और हाँ, यहाँ पर तुम्हें एक बात जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पर तुम जहां पर फर्स्ट एलिमेंट्स का जैसे ये कंपैरिजन कर रहा है तो ये दोनों एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, मतलब अगर ये 1 है और अगर मैं यहाँ पर इसे 6.1 अगर कर दूं तब क्या ये कंपैरिजन कर पाएगा, देखो ये कंपैरिजन कर पा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 6.1 की जगह पे कुछ स्ट्रिंग डाल दूं, कुछ टेक्स्ट डाल दूं, तब तुम देख रहे हो कि ये एरर आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमें जब भी कंपैरिजन करवाना है तो डेटा टाइप सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन किस तरह से हम करवाते हैं लिस्ट में। अब देखो, जैसे कि तुमने स्ट्रिंग में क्या पढ़ा था, तुमने स्ट्रिंग में कॉन्कैटेनेशन और रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से यहां पर लिस्ट में भी होता है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इन सबको हम हटा देते हैं और यहां पर एक नया लिस्ट मैं बना लेता हूं, लिस्ट वन रखता हूं इसका नाम इस बार, और इस पर मैं एक नया लिस्ट रख देता हूं। लिस्ट में मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिया 4, 5, 6, 7 भी। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया लिस्ट और बनाता हूँ,
हाँ, तो यहाँ पर मैंने दो लिस्ट बना लिया। अब सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करते हैं, हम दोनों में रेप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐप लिस्ट रख देता हूँ एक दूसरा नाम, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊंगा एफ लिस्ट, ठीक है। तो इसे मैं रन करता हूँ, तो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि लिस्ट जो है वो कॉनकैटेनेट हो चुके हैं, यानी जुड़ चुके हैं। इसे हम जॉइनिंग ऑफ लिस्ट भी कहते हैं, कॉनकैटेनेशन ऑफ लिस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि इन दोनों को ऐड करके एक नए वेरिएबल में स्टोर किया, यानी असाइन किया हुआ है। तो इसके जगह पे तुम यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट में भी इस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। तो इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये डायरेक्ट ये चीज़ भी यहाँ पर उठा के लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, अगर इसे रन करूँ तो भी सेम आउटपुट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सिर्फ दो लिस्ट को ज्वाइन किया, तो तुम मल्टीपल लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम हज़ार लिस्ट को भी आपस में जोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि तुम लिस्ट को अगर लिस्ट के साथ जोड़ रहे हो तो लिस्ट ही होना चाहिए, और साथ में कोई एक एलिमेंट नहीं जोड़ सकते तुम। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको अभी रखा ऐसे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिस्ट वन के साथ मान लेते हैं थ्री एक एलिमेंट जोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये थ्री कोई डेटा टाइप कौन सा, इंटीजर, ये कोई लिस्ट नहीं है, मतलब लिस्ट के साथ मैं क्या जोड़ रहा हूँ, इंटीजर, ठीक है। तो ये मैं किस लिए कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर जो एलिमेंट, यहाँ पर जो सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पर थ्री एक आ जाए एक्स्ट्रा, ठीक है, थ्री ऑलरेडी है। तो चलो मैं, या फिर इसको हटा देता हूँ, मैं 58 रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 58 एक आ जाए एलिमेंट एक्स्ट्रा, ठीक है, लास्ट में जुड़ जाए। तो मैं सोचता हूँ कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे लिस्ट में एलिमेंट एक बढ़ जाए। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम देखोगे यहाँ पर एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तुम्हें अगर कॉन्कैटेनेशन करना है लिस्ट को, तो तुम्हें लिस्ट डेटा टाइप ही चाहिए, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पर मैं इसके जगह पे ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसे मैंने एक नया लिस्ट बना दिया, अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो तुम देख रहे होगे यहाँ पर एक और एलिमेंट जुड़ चुका है, समझ गए। तो ये भी एक लिस्ट है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है। और अभी मेरे पास जो टॉपिक है वो है रेप्लिकेशन का, ठीक है। तुमने ज्वाइन करना सीख लिया, अब अगर रेप्लिकेशन का हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ तीन एलिमेंट रखा हुआ लिस्ट वन में, और लिस्ट वन में मैं रेप्लीकेट कर रहा हूँ इसको चार बार, ठीक है। और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे को बस इसी लिस्ट को, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको चार बार लिख के दे देगा, ठीक है। तो जैसे कि एक बार, दो बार, तीन बार, और ये चार बार, ठीक है। तो ये चार बार हो गया। तो इस तरह से हम रेप्लीकेशन कर सकते हैं लिस्ट में। और अब तक मैंने तुम्हें स्लाइसिंग का बता दिया था कि हम लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं लिस्ट में स्लाइसिंग, मान लेते हैं मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ और लिस्ट वन, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर ये इंडेक्स डाल दूंगा, मेरे को जहाँ से जहाँ तक की चाहिए प्लस वन तक, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर वन से लेकर 0, 1, 2, तो यहाँ पर मैं 3 डालूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, समझ गए तुम। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ा देता हूँ, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो मेरे को यहाँ तक की वैल्यूज ये दे रहा है, ठीक है, सॉरी 1, 2, 3, 3 तक की वैल्यूज दे रहा है, 4 को छोड़ रहा है ये, ठीक है। और अगर मान लेते हैं मैंने इसको, मान लेते हैं मैंने इसको 6 कर दिया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ तक की वैल्यूज ये दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेप वैल्यू क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर 3 डाल दूँ तो यहाँ पर ये पहली वैल्यू तो 1 लेगा, ठीक है, यानी पहली इंडेक्स को 1 लेगा, ठीक है। उसके बाद वो 3 प्लस करेगा, यानी 1 प्लस 3 क्या होता है, 4। उसके बाद ये फर्स्ट के बाद फोर्थ इंडेक्स लेगा, ठीक है, और फोर्थ इंडेक्स के बाद 4 प्लस 3 7, तो ये सेवन्थ इंडेक्स लेगा, और सेवन की तो, सेवन तो यहाँ पर है नहीं, सेवन्थ इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ ये खत्म हो रहा है 6 पे, और 6 को तो ये वैसे भी नहीं लेने वाला, यानी ऑफिशियली इसके पास जो लास्ट इंडेक्स बच रही है वो 5th है, ठीक है। तो इसके पास कौन कौन से इंडेक्स आ गए, इसके पास फर्स्ट इंडेक्स आया और 1 प्लस 3 यानी 4, यानी दो एलिमेंट्स आएंगे इसके पास, एक ये आएगा ये फर्स्ट वाली, ठीक है, तो और फर्स्ट वाली, और उसके बाद फिर 5 आएगा, 2 और 5। रन करके देखते हैं, ठीक है, 2 और 5 आ गया। तो ये इस तरह से काम करता है इंडेक्सिंग का। और यहाँ पर इंडेक्सिंग की जगह पे मैंने, मेरे को तुम्हें ये भी बताना था कि, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर मैंने इसे ये रख दिया, और मान के चलते हैं कि मैं 1 से लेकर 6 यानी कि 6 को हटा देते हैं, यहाँ पर मैं 4 रख देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक की चीज़ों में मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। क्या चेंजेस करना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पर ये 4 4 को तो लेगा नहीं, सॉरी 5 को तो ये लेगा नहीं, तो यहाँ पर ये इन तीनों चीज़ों को लेगा। तो यहाँ पर मैं इस, इन तीनों के जगह पर बस एक एलिमेंट को एक एक्स्ट्रा चीज़ डालना चाहता हूँ,
तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एक चीज लिखूं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा कि ये एक एक एलिमेंट यहाँ से उठाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक एक करके एक एक एलिमेंट्स बनाएगा। आर को अलग एलिमेंट बनाएगा, फिर ए को अलग, जे एन ए टी एच, ठीक है, सारा होगा ऐसा। यहाँ पर मैं से रन करके दिखाता हूँ तुम्हें, मुझे यहाँ पर उसके लिए लिस्ट वन यहाँ पर लिखना होगा। लिस्ट वन अगर मैं भी लिखूँ यहाँ पर, इसे एंटर करूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो वन हो गया, उसके बाद फिर आर ए जे एन ए टी एच आ गया, उसके बाद फिर 5, 6, 7, यानी इसने किसको रिप्लेस किया, 2 से लेकर 4 तक की वैल्यूज को इसने रिप्लेस करके ये कर दिया, ठीक है। और अगर क्या होता कि अगर मैं इसे यहाँ पर मैं लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा लिस्ट भी मेरे को अलग अलग वैल्यूज निकाल के देगा इसमें, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसे रन करके दिखाऊं तो तुम देख सकते हो यहाँ पर, तो भी ये यही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे एक लिस्ट बना दूं और लिस्ट में बस एक एलिमेंट रखूं, ठीक है, तब ये मेरे को वो आउटपुट देगा जो मेरे को चाहिए, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये मेरे को वो आउटपुट निकाल के दे रहा है। और हाँ, इंडेक्सिंग में ये चीज़ भी है कि अगर तुम यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हो, मान लेते मैंने इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, लिस्ट वन मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0 से लेकर, ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं, सॉरी, स्लाइसिंग कर रहा हूँ 0 से लेकर, और फिर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये 0 से लेकर एंड तक की वैल्यूज उठा लेगा, एंड तक की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ, नहीं, पर मैं इंडेक्स यहाँ पर मैं स्लाइसिंग कर लेता हूँ 0 से लेकर, और फिर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये 0 से लेकर एंड तक की वैल्यूज उठाएगा। ये मैंने तुम्हें स्ट्रिंग में भी बताया था और तुम्हें यहाँ पर भी बता रहा हूँ मैं, या फिर तुमने अगर यहाँ पर ये लिखा, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में तुम डाल रहे हो 4, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुन लेगा, ठीक है, तो ये 0 से लेकर 3 तक की वैल्यूज उठाएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो ये उस तरह से काम कर रहा है। और अगर तुमने यहाँ पर ये वैल्यू भी नहीं डाली, तब क्या होगा, तब देखो तो ये नॉर्मली काम कर रहा है, ठीक है। और फिर तुम चाहे यहाँ पर एक और ये लगा दो, तब देखते हैं, ठीक है, तब भी ये नॉर्मली काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर 3 चीज़ें डाल सकते हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो ये था इंडेक्सिंग का, सॉरी, स्लाइसिंग का पूरा काम। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये 4th टॉपिक है, जो कि है मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। तो एक लिस्ट का ट्रू कॉपी हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, नहीं, तुम तो सोच रहे हो कि अगर मेरे को लिस्ट की कॉपी बनानी है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, मेरे को लिस्ट की कॉपी बनानी है, तो मैं एक नया वेरिएबल असाइन कर देता हूँ, एक नया वेरिएबल असाइन करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिस्ट 2 रख देता हूँ और उसमें सेम वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, सेम वैल्यू डाल देता हूँ। या फिर इतनी मेहनत अगर मुझे नहीं करनी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिस्ट 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो लिस्ट 1 इसमें हो गया, ये असाइन हो गया, तो ये तो सेम चीज़ हो गई ना, ठीक है, देख रहे हो गए, सेम चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पर ये ट्रू कॉपी नहीं है इसका। ट्रू कॉपी मैं इसे क्यों नहीं कह रहा हूँ, रीज़न है इसके पीछे, क्या रीज़न है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को सेम इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिस्ट 2 प्रिंट कराया, इसके जगह पे मान लेते हैं मैंने लिस्ट 1 प्रिंट कराया होता अगर, और मैं नीचे मैं यहाँ पर लिस्ट 2 को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट 1 में एक वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट 1 में मैं मान लेते हैं मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे, नहीं फर्स्ट इंडेक्स सॉरी, यहाँ पर मैं पहले इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 1 पे चेंज कर रहा हूँ, क्या पहले इंडेक्स पे ये क्या है, 2 है, ठीक है, तो 2 के जगह पे मैं यहाँ पर 90 कर देता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रिंग में मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे स्ट्रिंग में भी हो तो भी, मैं यहाँ पर इंटीजर रखना चाहूंगा इसे। तो यहाँ पर मैंने ये चेंज किया है कि इसमें लिस्ट ऑफ, सॉरी, मैं यहाँ पर लिस्ट 1 में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो लिस्ट 1 में मैंने चेंज किया। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये जो चेंज था वो लिस्ट 1 में भी हो गया, लिस्ट 2 में भी हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये चेंज तो बाद में किया है, मतलब लिस्ट 1 को तो बाद पहले ही असाइन कर दिया था ना मैंने लिस्ट 2 में, और उसके बाद फिर मैं लिस्ट 1 में चेंजेस कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिन लोगों को याद होगा उन्हें मैंने बताया था डेटा हैंडलिंग चैप्टर में कि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी लैंग्वेज में क्या होता है कि वेरिएबल और वैल्यू में असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और कहीं कहीं क्या होता है कि स्टोर करने का कॉन्सेप्ट होता है यूज़। अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि पाइथन में अगर हम कोई वेरिएबल में कोई एक वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वेरिएबल उसमें असाइन हो चुका है, वो उस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, किसी एक मेमोरी स्पेस में जाके वो उस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है वो इस वैल्यू को, ठीक है, ये मान लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या कर रही है, ये वैल्यू अभी हवा में तैर रही है, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है वो इस वैल्यू को रेफर कर रही है, यानी कि सिर्फ देख रही है, ठीक है, समझ रहे हो, तुम बस देख सकते हो, वो तुम्हारी नहीं है,
तुम बस उसे देख सकते हो, ये रेफर करने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर तुम बात करो सी सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस की, तो वो तुम्हारी है, समझ गए, और अगर तुम पाइथन पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारी नहीं है, समझ रहे हो, तो वो तुम बस रेफर कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है। तो अब मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पर लिस्ट वन है एक वेरिएबल, इसको तुमने एक हवा में तैरती हुई एक वैल्यू असाइन कर ली। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि लिस्ट वन जो है वो इस चीज को देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, कोई बात नहीं, देख लो। उसके बाद लिस्ट टू क्या कर रहा है, अब लिस्ट वन इसमें हमने असाइन कर दिया, ठीक है, यानी कि लिस्ट वन जिस चीज को देख रहा है ना, उस चीज को लिस्ट टू भी देख रहा है। और अब ये जो चीज है ये एक अलग मेमोरी एड्रेस में है, अब ये जिस एड्रेस में है उसको लिस्ट वन भी देख रहा है और लिस्ट टू भी देख रहा है, और लिस्ट वन की और लिस्ट वन में हमने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, यानी कि लिस्ट वन जिसको देख रहा है उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हमने कर दिया। और इसको चेंज करने के बाद उस वो जो हवा में तैरती हुई वैल्यू थी उसमें चेंज आया, हवा में तैरती हुई ये जो लिस्ट थी इसमें चेंज आया है, ठीक है, यानी कि ये अब लिस्ट वन में भी चेंज हो गया और लिस्ट टू में भी चेंज हो गया, यानी कि दोनों देख तो एक ही चीज को रहे थे और जिस चीज को देख रहे थे उसमें चेंज आया, ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में चेंज आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि एक ट्रू कॉपी कैसे बनाए लिस्ट की, जिससे कि अलग अलग हो जाए दोनों, ठीक है, जिसमें कि हम एक चीज में अगर चेंज करें तो कोई दूसरी चीज में फर्क ना पड़े। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट कॉपी मेथड, ठीक है। यहां पर मेरे को क्या करना है, मेरे को जिस लिस्ट का कॉपी बनाना है एक ट्रू कॉपी, उसके बाद मैं लिख दूंगा डॉट कॉपी और ये फंक्शन का ये पैरेंथेसिस लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, ध्यान से देख लो इसे। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं इसे, तब क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो कि पहली पहली वाले में जिसमें मैंने चेंज किया था उसमें तो ये चेंज हो गया, लेकिन दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रू कॉपी बन चुकी है इसकी। तो ये था मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट। लेकिन क्या हमारे पास यही एक मेथड है जिससे कि हम एक ट्रू कॉपी बना सकते हैं लिस्ट का? नहीं, हमारे पास और भी मेथड है। बस देखो तुम्हें क्या नहीं करना, तुम्हें बस ये नहीं करना, ये तुम करोगे तो ये तुम्हारा ट्रू कॉपी नहीं बनने वाला। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज करो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम सिर्फ यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज करो, ठीक है, मैं स्लाइसिंग बोलना चाह रहा हूँ, तो अगर तुम यहाँ पर सिर्फ स्लाइसिंग का यूज कर लो, इसका मतलब क्या है, शुरू से लेकर सारी एलिमेंट्स, तो अगर ये यूज करो तुम तो भी ये एक ट्रू कॉपी बन जाएगा। अगर मैं तुम्हें अभी रन करके दिखाऊं तो भी तुम देख रहे हो कि दूसरे वाले लिस्ट में कोई चेंज आया नहीं, ठीक है। तो हमने अभी तक दो तरीके देखे, कौन कौन से, एक डॉट कॉपी वाले फंक्शन के बारे में और एक ये स्लाइसिंग के मदद से, ठीक है। और एक और तरीका आया, एक और कौन सा तरीका आया, तो एक और तरीका जो है वो है लिस्ट फंक्शन का यूज करना, ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन का मैंने तुम्हें बताया था कि लिस्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करता है या फिर हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनाकर देता है। लेकिन हम यहाँ पर लिस्ट फंक्शन का यूज इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिस्ट फंक्शन का यूज करता हूँ, लिस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया और लिस्ट फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट में इस वेरिएबल को डाल देंगे। अगर मैं इसे अब रन करूँ तो भी तुम देख रहे हो कि अभी भी वो चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि तीन तरीके हैं हमारे पास लिस्ट के ट्रू कॉपी को बनाने के, कौन कौन से, एक डॉट कॉपी और एक स्लाइसिंग और एक लिस्ट फंक्शन, ठीक है, याद रहेगा। तो ये फंक्शन खत्म, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब मेरे पास कौन सा टॉपिक है, लिस्ट मेथड्स एंड फंक्शन, सॉरी एंड यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे, एंड फंक्शंस। अब यहाँ पर हम अलग अलग फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं लिस्ट के, तो देख लेते हैं उन्हें। तो देखो मेथड यूज करने का क्या तरीका होता है, अगर मैं इन सबको हटा दूं तो पहले हम क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद डॉट लगाते हैं और उसके बाद मेथड का नाम लिखते हैं, यानी उस फंक्शन के लिए जो नाम है उसका वो यूज करते हैं। उसके बाद हम फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और फिर पैरेंथेसिस में अगर ये कोई वेरिएबल्स ले रहा है आर्ग्यूमेंट में तो वो लिखते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला तो तुम सबको पता होगा लेन फंक्शन के बारे में, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ और इसके अंदर हम सारे मेथड्स को लिखेंगे ताकि मेरे को आउटपुट यहीं पर मिल जाए, लिखा हुआ प्रिंट हो जाए आउटपुट जो है। तो सबसे पहला जो है वो लेन फंक्शन का, यानी कि ये हमें क्या करता है, लेंथ प्रिंट करके देता है इसका, ठीक है, लिस्ट ऑफ वन, ठीक है। तो ये मेरे को लेंथ बता के देगा, तो ये 7 लेंथ है इसका, ठीक है, यानी टोटल 7 एलिमेंट्स है इसके। दूसरा जो है वो लिस्ट फंक्शन खुद ही है, इसमें क्या होता है कि हम लिस्ट फंक्शन बाहर रखते हैं, देखो इसमें हम बाहर रख रहे हैं, तो लिस्ट फंक्शन हम बाहर रखते हैं और अगर मैंने सिर्फ यही रख दिया तो ये मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट बना कर देगा, ठीक है, और अगर मैं किसी वेरिएबल को यहाँ पर पास करवाऊँ तो ये उस चीज़ को एक लिस्ट बना कर देगा। तो ये तो ऑलरेडी लिस्ट है, ये तो जैसा का तैसा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। और इसके अंदर मैं यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस डाल दूँ, अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग डाल दूँ, देखो list1 को मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, और अगर मैं इसे भी रन करूँ तो ये मेरे को हर एक एलिमेंट को इस तरह से अलग अलग करके दे रहा है।
और वहीं अगर मैं कुछ और भी करूँ यहाँ पर, कोई एक सीक्वेंस डाल दूँ तो मेरे को लिस्ट बना कर देगा। अगर मैं टपल बना दूँ यहाँ पर तो वो मेरे को लिस्ट बना कर देगा। ठीक है, तो ये था लिस्ट फंक्शन, तो मैं पता चल गया। और ये ट्रू कॉपी बनाने के भी काम आता है। अब हमारे पास आता है इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो मेरे को बार बार यहाँ पर लिस्ट वन लिखना ना पड़े, इसलिए मैं इसका नाम जो है वो चेंज करके एल करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एल लिखूंगा, एल डॉट। अब यहाँ पर इंडेक्स आता है मेरे पास, देखो इंडेक्स। और फिर इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डालेंगे। आर्ग्यूमेंट हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया। ठीक है, तो अब मेरे को ये बता के देगा कि 6 जो है वो कौन से इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ तो ये 5th इंडेक्स पे कह रहा है। क्या ये सही कह रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सही कह रहा है ये। अब मेरे पास जो है वो एक दूसरा फंक्शन है, दूसरा मेथड है, जो कि है अपेंड। अपेंड क्या करता है? अपेंड हमें एक एलिमेंट जोड़ के देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 के जगह पे कुछ और डाल दूँ तो ये क्या करेगा? ये लिस्ट के एंड में इसको जोड़ देगा। ठीक है, इस एलिमेंट को जोड़ देगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो ये तो खैर नन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि इसको चलाने के बाद मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, किसको? एल को प्रिंट करवाना है, ना कि इस चीज़ को प्रिंट करवाना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर से हटा दूँ, अगर मैंने यहाँ पर इसको ये रख दिया, और अगर मैं यहाँ पर अब एल को प्रिंट करवाऊँ तो देखो तुम क्या होगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो लास्ट में अपेंड हो चुका है। ये अपेंड मतलब लास्ट में जोड़ना। ठीक है, लिस्ट को आपस में जोड़ना। और अब मेरे पास एक और मेथड है, जो कि है एक्सटेंड। ठीक है, तो एक्सटेंड में हम क्या करने वाले हैं? एक्सटेंड में क्या होता है कि हम किसी दूसरे लिस्ट के वैल्यूज को उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने अपेंड में क्या किया था, हमने बस एक वैल्यू डाला था और वो उसमें जुड़ गया था। लेकिन अगर हम एक्सटेंड करें ना, तो एक्सटेंड क्या करता है कि किसी लिस्ट को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि दो वैल्यूज में, जैसे कि अगर मेरे पास L1, यहाँ पर मैंने एक दूसरा लिस्ट ले लिया, ठीक है, सॉरी, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिंग्स डाल दी। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, L1 यहाँ पर लिख दूँ, तो ये क्या करेगा कि L में जो है वो L1 को जोड़ देगा। ठीक है, यानी कि एलिमेंट जो है वो आ जाएंगे सबके एक ही लिस्ट में। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इसे रन करके दिखाऊँ, तो मैं प्रिंट एल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एल प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स एक लिस्ट में आ चुके हैं। किस लिस्ट में आ चुके हैं? एल वाली लिस्ट में आ चुके हैं। तो ये था एक्सटेंड। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या अंतर है। अपेंड क्या करता है कि किसी एक एलिमेंट को लेकर उस लिस्ट में बढ़ाता है, ज्वाइन कर देता है। और एक्सटेंड क्या करता है कि किसी लिस्ट में लिस्ट को ही जोड़ देता है। ठीक है, ऐसा नहीं करता कि लिस्ट को एज एन एलिमेंट बना के डाल दे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पे अपेंड यूज करता, अगर मैं यहाँ पर अपेंड यूज करता, तब क्या होता? तब ये इस चीज को, इस पूरे चीज को एक एलिमेंट सोच लेता और इस एलिमेंट को इसके अंदर डालता। समझ गए? कुछ इस तरह से। मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये जो चीज़ है ये एक एलिमेंट बन चुका है L1 के लिए। ठीक है, तो ये था अपेंड के लिए। और एक्सटेंड क्या करता है कि लिस्ट को जोड़ देता है। समझ गए? अगर मैं अभी से रन करूँ, हो गया ये। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन आता है वो है इंसर्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट लिखूं, तो इंसर्ट जो है वो दो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो इंसर्ट सबसे पहले इंडेक्स लेता है, और उसके बाद तुम्हें पूछता है कि तुम्हें क्या जोड़ना है उसमें। इंसर्ट मतलब तुम समझ गए होगे कि इसमें कोई एक एलिमेंट डालना है, लेकिन एलिमेंट उसमें ऐड करने के लिए हम तो अभी दो चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं, अपेंड और एक्सटेंड। ठीक है ना, लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं? इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ही उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को 0, 1, ठीक है, 0, 1, और फिर मान के चलता हूँ मेरे को सेकेंड इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 2 में मेरे को मान के चलते हैं कि मेरे को 97 जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इंडेक्स नंबर यहाँ पर डालूंगा, और उसके बाद फिर मेरे को क्या जोड़ना है? 97। तो मैं यहाँ पर 97 लिख दूंगा, और ऊपर वाली लिस्ट का हम कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसको अभी कमांड आउट कर देता हूँ। अगर मैं अभी से रन करके दिखाऊँ तुम्हें, तो क्या हो रहा है? यहाँ पर ये 97 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है? यहाँ पर देखो 3 हट नहीं रहा है अपने इंडेक्स से। यहाँ पर इस सेकेंड इंडेक्स में क्या कर रहा है, सॉरी, इंडेक्स नंबर 2 में क्या हो रहा है कि 97 बस इंसर्ट हो जा रहा है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी वो आगे शिफ्ट हो जा रही हैं, बीच में जो है वो 97 इंसर्ट हो जा रहा है। तो ये काम है इंसर्ट फंक्शन का। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है पॉप फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन जो है वो बस एक आर्ग्यूमेंट लेता है, जो कि है कि इंडेक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल दूँ ये वाला 1, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 डाल दूँ, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये जो 2 है इस चीज को ये डिलीट कर देगा इस लिस्ट से। ठीक है, हटा देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ,
तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 जो है वो हट चुका है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं डालूँ तब क्या होता है, तब क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है इसको हटाते हैं यहाँ पर से, देख रहे होगे तुम लास्ट वैल्यू को इसने हटा दिया। अगर यहाँ पर तुम इंडेक्स डालोगे तो उस इंडेक्स वाली चीज़ को ये हटाएगा, और अगर इंडेक्स नहीं डालोगे तो ये लास्ट वाली चीज़ को हटा देगा। तो ये काम है पॉप फंक्शन का। और पॉप फंक्शन के बारे में एक खास बात यह है कि ये जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अभी तक जो हम वैल्यूज देख अभी हम फंक्शन देख रहे थे उसमें बहुत सारे फंक्शन आ रहे थे जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो इसको अगर मैं उठा के यहाँ पर डालू ना, यहाँ पर इसको हटा दिया मैंने, और इसको मैं प्रिंट के अंदर डालू ना, तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा जो वैल्यू इसने हटाई है, ठीक है। ना कि मेरे को लिस्ट प्रिंट करके देगा, ये मेरे को वो प्रिंट करके देगा जो इसने हटाई है, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो इसने क्या हटाया था, 7, तो इसने 7 प्रिंट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर कोई इंडेक्स डाल दूँ जैसे कि मान लेते 4, तो ये 4th इंडेक्स वाली चीज़ को हटाएगा। तो 4th इंडेक्स में क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4th इंडेक्स पे ये 4 है, तो इसने 0, 1, 2, 3, 4, तो 4th इंडेक्स पे 5 है, तो 5 को इसने हटा दिया। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ L को, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो वो चीज़ हट के आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 हट के आ चुकी है। तो ये काम था पॉप फंक्शन का। और पॉप फंक्शन के बारे में एक और खास बात ये है कि पॉप फंक्शन एरर भी देता है। कब एरर देता है, जब उसके पास एक एम्प्टी लिस्ट हो, ठीक है। अब एम्प्टी लिस्ट में से वो क्या ही हटाएगा, तो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो तुम देख सकते हो कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी तुम पॉप करो तो ध्यान रखो कि तुम्हारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कुछ भी ऐसा काम करो जिससे कि एरर ना आए। कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग उसके लिए अलग से आती है, अलग चीज़ है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वो काफ़ी इजी चीज़ है। खैर तुम उसे पढ़ सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारा मन हो तो। खैर तुम्हें हमेशा ये ट्राई करना है कि एरर ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, तो रिमूव जो है वो वही तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा कि वैल्यूज को रिमूव करता है। तो हम देखने वाले हैं कि रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है। अब रिमूव को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा प्रिंट फंक्शन के अंदर, इस चीज़ को मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती, ठीक है। पॉप जैसे कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रही थी, वैसे ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। पॉप क्या रिटर्न कर रहा था, वही चीज़ जो कि उसने अभी अभी हटाई है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊँ कि यहाँ पर देखो इंडेक्स नहीं लिखना तुम्हें रिमूव फंक्शन में। पॉप फंक्शन में तुम क्या करते थे, इंडेक्स लिखते थे, और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट एलिमेंट के एलिमेंट को ही लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर एस एफ लिखूँ, ठीक है, और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो एस एफ यहाँ से हट चुका है। क्या होगा अगर यहाँ पर एस एफ जो है वो मल्टीपल टाइम्स होता, यहाँ पर मैंने एस एफ फिर से लिख दिया। अगर मैं अभी से रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसने बस एक एस एफ को हटाया, बाकी दूसरा एलिमेंट जो है वो जैसा का तैसा है ही यहाँ पर। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव के अंदर जो भी तुम एलिमेंट डाल रहे हो वो पहली बार जब भी उस लिस्ट में तुम्हें मिल जा रहा है वो उस टाइम उसको वहां से हटा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह से पॉप में था कि अगर तुम पॉप के अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं डालो, कोई भी आर्ग्यूमेंट ना डालो, तो वो क्या करता था, लास्ट एलिमेंट को हटा देता था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर ये काम तुम रिमूव में करो तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए। तो देखो अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि क्या है, क्लियर, ठीक है। क्लियर नाम से पता चल रहा होगा, ये क्या करता है, पूरे लिस्ट को क्लियर कर देता है, ठीक है, लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, उसने एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न किया है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें मैं एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पर, इन चीज़ों को मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास मान लेते हैं ए में मैंने 1 स्टोर कर दिया, ठीक है, सॉरी असाइन कर दिया, ए में 1 असाइन कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ डेल ए, ठीक है। और अगर अब मैं कोई भी काम करवाना चाह रहा हूँ ए से, मान लेते हैं मैंने ए में ए को प्रिंट करा लिया, चलो ए को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। ये बोलेगा कि ए तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेल ए का मतलब है कि मैंने वेरिएबल ए जो था उसको डिलीट करवा दिया है, ठीक है। तो ये काम है डेल ए का। तो ये था डेल स्टेटमेंट, डेल स्टेटमेंट था वो, कोई फंक्शन नहीं था अगर तुम्हें याद हो तो। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, और ये जो चीज़ थी इसको मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो अब तुम मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ कि मैंने क्लियर किया। तो क्लियर क्या कर रहा है कि लिस्ट को सिर्फ एम्प्टी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि उस वेरिएबल को वो डिलीट कर दे रहा है, ठीक है। ये अभी भी एक लिस्ट है लेकिन ये एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को ये हटा दे रहा है, ठीक है। तो ये काम है क्लियर का। और देखो तुम्हें यहाँ पर लिस्ट को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जो जो चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना है, बीटेक करना है सीएसई में, तो फिर तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर डीएसए तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा तुम्हें,
तो डीएसए में काफी ज्यादा काम आएगा ये लिस्ट वाला जो फंक्शन है, ठीक है, सब कुछ काम आएगा लिस्ट में, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ काम आएगा। और डीएसए में क्या होता है कि तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जरूरी नहीं होती, तुम्हें बस डीएसए में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तुम्हें कॉन्सेप्ट आएगा तो तुम्हें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तुम किसी से भी कर सकते हो। अब मेरे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है काउंट, तो यहाँ पर मैं अगर काउंट लिख दूँ और इसके अंदर मेरे को वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एस एफ लिखूँ, एस एफ, तो यहाँ पर ये मेरे को ये रिटर्न करके देगा कि जो एस एफ है ना वो इस लिस्ट में कितने बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर ये मेरे को रिटर्न करके देगा वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे को कह रहा है दो बार आ रहा है, ठीक है, तो ये काम है काउंट का। अब हमारे पास जो मेथड है इसके बाद जो कि वो है रिवर्स, तो अगर मैं यहाँ पर रिवर्स लिख दूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पर से हटा दूँ, ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोई भी लिस्ट जो है वो रिटर्न नहीं करता, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पर रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर इसे रन करके दिखाऊँ तुम्हें तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता, तो मुझे ये काम अलग से करवाना होगा यहाँ से, ठीक है, और प्रिंट में मेरे को सिर्फ L1 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो मेरे को तुम यहाँ पर देख सकते हो, तो इसने सारे वैल्यूज को यहाँ पर उल्टा कर दिया है, तुम्हें दिख रहा होगा रिवर्स का काम क्या होता है, रिवर्स करना। और इसके बाद हमारे पास दो और मेथड्स आते हैं जो कि है सॉर्ट और सॉर्टेड। तो पहले मैं तुम्हें सॉर्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है, तो सॉर्ट क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ पर इन चीज़ों को हटा के कुछ नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्षमा चाहूँगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर सॉर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर मैंने ये तो लिख दिया, ठीक है, सॉर्ट तो लिख दिया, इसका मतलब तुम्हें पता होगा कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहा है, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये इन चीज़ों को अरेंज कर देगा, ठीक है, एलिमेंट्स को। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग्स भी डालता तो उनमें से भी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें ASCII कोड्स के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, तो अगर तुमने वो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। और अगर मैं इसे अभी रन करूं तो तुम यहाँ पर देख रहे होगे ये क्या हो रहा है, ये देख रहे होगे तुम यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट हो चुकी हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये हो चुका है। और हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या ये चीज़ जो है वो कुछ रिटर्न भी करती हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ तो तुम देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ओके, पोपट हो गया। और तुम्हें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर तुम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर लोगे तो फिर ये शॉर्ट वाला जो मेथड है, सॉर्ट मेथड, वो काम नहीं करने वाला। अगर मैं यहाँ पर 1.2+4j, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया, तब तो क्या होगा, यहाँ पर एरर ये दिखा रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं सॉर्टिंग नहीं कर सकता। और देखो यहाँ पर मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अभी अरेंज किया था, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तो फिर मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें ये लिखा हुआ होता है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऐसा लिखा हुआ होता है रिवर्स इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, फॉल्स, यहाँ पर ये एक बुलियन वैल्यू है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा हुआ रहता है। अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम देख रहे हो अभी भी वैसा ही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं आया इसमें, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे हटा के ट्रू कर दूँ तब ये मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से तुम सॉर्टिंग कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। यहाँ पर तुम्हें बस इस आर्ग्यूमेंट का ख्याल रखना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू या फिर रिवर्स इक्वल टू फॉल्स। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि ये सॉर्टेड, ठीक है। अब सॉर्टेड को लिखने का तरीका वो नहीं है जो पहले था। इसमें क्या होता है कि हम पहले एक नया एक वेरिएबल रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं L2, और इसमें हम यहाँ पर बाहर में लिखते हैं सॉर्टेड, और सॉर्टेड लिखने के बाद हम यहाँ पर पहले जिस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं वो L1 लिखते हैं, ठीक है, L1 को सॉर्ट करना चाहते हैं, हमने L1 लिखा, और उसके बाद वो वही असेंडिंग डिसेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स होता है, पहले हम यहाँ पर फॉल्स ही डाल देते हैं, उसके बाद मैं ट्रू का भी बता दूंगा तुम्हें। चलो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि L1 लिखा हुआ है, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स लिखा हुआ है, और सॉर्ट भी तो ऐसा कुछ था, तो दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें इसे रन करके दिखाऊं, यहाँ पर मेरे को L2 लिखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे अब रन करके दिखाऊं तो तुम देख रहे हो कि ये वही काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर नीचे L1 को भी मान लो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तब तुम देख रहे हो यहाँ पर L1 में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब तुम्हें पता हो गया, चलो गया होगा कि ये क्या करता है, मतलब अलग कैसे है सॉर्टेड सॉर्ट से, ठीक है। तो सॉर्टेड क्या करता है कि एक नई कॉपी बनाता है, सॉर्ट क्या कर रहा था,
वो पुराने लिस्ट को ही चेंज कर रहा था, लेकिन सॉर्टेड क्या कर रहा है, वो किसी एक नए लिस्ट में उस चीज को चेंज करके स्टोर कर रहा है, और वो पिछले वाले जो लिस्ट है उसको चेंज नहीं करेगा, उसमें कोई एक चेंज नहीं करेगा। तो ये अंतर था सॉर्ट और सॉर्टेड में। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर तुम ट्रू कर दो तो वही है यहाँ पर, क्या ही करूँ, पता चल गया होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, पहला वाला देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, तो ये काम था सॉर्ट और सॉर्टेड में। अब देखो तीन फंक्शंस हमारे पास और है, जो कि है मिनिमम निकालने का, मैक्सिमम निकालने का और सम निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका सम अगर निकालना हो या फिर मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो निकालना हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कैसे, या अगर मैंने मिन लिख दिया, ठीक है, अगर मैं मिन फंक्शन में यहाँ पर L1 को पास कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ, तो ये मेरे को मिनिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है 1, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पर मैक्स लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे को 45 दे रहा है, और अगर उसके जगह पे यहाँ पर मैं सम लिख दूँ, ठीक है, अब इसे मैं रन करूँ, तो ये मेरे को इन सब का सम निकाल के देगा। ठीक है, सबको जोड़ देगा। और अगर मैं यही चीज़ अल्फाबेट्स के लिए भी करूँ, स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है, मान लेते मैंने ये कर दिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मान लेते अपना नाम लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर F लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये क्या कह रहा है, मेरे को एरर बता रहा है। ठीक है, तो प्लस इंट और स्ट्रिंग में ये एक एरर बता रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो सम है ना, ये इसके लिए है, मतलब ये इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर मिन डाल दूं और अगर अब रन करूं, तो यहाँ पर ये मेरे को मिनिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है। राजना, ऐसा क्यों ये कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो आर है वो कैपिटल आ रहा है, और कैपिटल वाले अल्फाबेट्स की वैल्यू कम होती है, और मतलब ASCII वैल्यू, वो तुमने पढ़ा होगा। तो और वहीं हम यहाँ पर मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये आ रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या काम नहीं कर रहा है स्ट्रिंग्स के लिए, यहाँ पर ये सम काम नहीं कर रहा है। अभी रन करूँ मैं इसे, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर ये आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर सब कुछ स्ट्रिंग में ही डाला हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सम है वो, उसको सिर्फ नंबर्स चाहिए, ठीक है, उसको बाकी कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, ना ही स्ट्रिंग चाहिए, ना ही इंटीजर्स, ना ही टपल्स, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए उसको, बस नंबर्स चाहिए, तब वो तुम्हें सम करके देगा। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो तो सबके लिए सेम है। ठीक है, वो सबको करके देगा। तो हमारे पास ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। अब आता है हमारे पास 2D लिस्ट। 2D में लिस्ट में मैंने क्या बताया था, जब लिस्ट के अंदर लिस्ट हो। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जानते हैं अभी कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, और नेस्टेड लिस्ट तुम्हें पता ही है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, 2D लिस्ट थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है कुछ। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 डाल दिया मान लो, फिर 5 डाल दिया, फिर मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने यहाँ पर एक अलग ही लिस्ट डाल दिया, और इस लिस्ट के अंदर मैं मान लेते हैं मैंने ये डाल दिया, फिर मैं 7 पॉइंट कुछ भी डाल रहा हूँ, फिर मैं 0.2 डाल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें डाल रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर 2 फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है, तो ये हमारा एक लिस्ट नेस्टेड लिस्ट, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट विंट कराया नहीं है, तो फिर मैं क्यों ही आउटपुट यहाँ पर निकाल रहा हूँ पता नहीं। और इसके जगह हम ये भी काम कर सकते थे कि इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, और ए नाम का एक वेरिएबल बना दूँ ऊपर, और ए में उस चीज़ को मैं यहाँ पर स्टोर कर दूँ, तो भी वही चीज़ है यहाँ पर। ये खैर मैंने प्रिंट तो करवाया नहीं, प्रिंट करवा देते, चलो Print L1 दिख रहा होगा अब तुम्हें यहाँ पर, ये देख रहा। तो अब यहां पर ये इस तरह से नेस्टेड लिस्ट होता है। क्या तुझे, और अब मैं तुम्हें बता दूं कि 2D लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो 2D लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है, अगर मैं इसको हटा दूं और ए को भी यहां से हटा दूं, तो 2D लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें कि हर एक एलिमेंट में एक एक लिस्ट हो, और उस जो अंदर वाली जो लिस्ट है उसमें 2 एलिमेंट्स हो। समझ गए, नहीं समझे कोई बात नहीं। चल, तो यहां पर मैं इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको भी एक लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो L1 हमने इस तरह से लिख दिया, और अब ये बन चुका है मेरा 2D लिस्ट। अगर मैं इसे अभी रन करूं तो तुम देख सकते हो जैसा का तैसा ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये एक 2D लिस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिस्ट है उसमें हर एक एलिमेंट जो है वो 2 लेंथ का एक लिस्ट है। ठीक है, तो ये एक 2D लिस्ट है। अगर मैं इसको तुमको अच्छे से विजुअलाइज करके दिखाऊं, तो मैं इसको एक्सेल में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस एक्सेल को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर ये जरूरी है कि ये जो हर एक एलिमेंट है उनका जो लेंथ है वो 2 ही हो, यानी 2 ही एलिमेंट हो उन पे? तो ये जरूरी नहीं है। तो देखो, जो 2D लिस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं,
एक रेगुलर टू डू लिस्ट और दूसरा होता है रैग्ड टू डू लिस्ट, ठीक है। तो रेगुलर टू डू लिस्ट जो होता है उसमें तुम्हें क्या करना है कि जिस लेंथ का तुम कोई भी एक एलिमेंट का रख रहे हो, जिस लेंथ का, तो वो सारे एलिमेंट्स उतने ही लेंथ के होने चाहिए। मान लो कि ये 1 2 और यहाँ पर कुछ और है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसे मैं तीन तीन एलिमेंट्स को यहाँ पर सजा के रखूंगा, तब जाके ये मेरा होगा टू डी लिस्ट, ठीक है, यानी कि रेगुलर टू डी लिस्ट, ठीक है। तो रेगुलर टू डी लिस्ट में क्या चाहिए कि हर एक एलिमेंट जो है इसमें वो इक्वल लेंथ के हों, समझ गए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और लेकिन हर एक एलिमेंट जो है वो एक लिस्ट ही होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट अगर लिस्ट है तो वो तुम्हारा टू डी लिस्ट बन चुका है, लेकिन कौन सा लिस्ट बना है, वो टू डी लिस्ट बना है, मतलब रेगुलर टू डी लिस्ट बना है या फिर रैग्ड टू डी लिस्ट बना है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि हर एक जो एलिमेंट है यहाँ पर उसका जो लेंथ है, उनके लेंथ वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है तो वो तुम्हारा रेगुलर टू डी लिस्ट बन गया, और अगर इक्वल नहीं है तो वो रैग्ड टू डी लिस्ट बन गया, ठीक है। रैग्ड, अगर तुम्हें स्पेलिंग जाननी है तो ये है रैग्ड की स्पेलिंग, तो ये था रैग्ड। तो अब देखो यहाँ पर ही जो लिस्ट है मेरे पास, इसको मैं अच्छे से तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, तो देखो मेरे पास ये चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर मैं नोटिस करूँ तो मेरे पास लिस्ट L1 का जो पहला एलिमेंट है वो 1 2 5 है, तो यहाँ पर 1 2 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो L1 के जो 0th एलिमेंट पे जो चीज़ है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब इन चीज़ों में भी एड्रेसेस हैं, इंडेक्स हैं, ये जो है वो 0 इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकेंड इंडेक्स पे है। फिर L1 के पहले इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे ये तीनों चीज़ें हैं, और इनमें भी इंडेक्स चल रहा है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, और ये 2 इंडेक्स पे है। फिर L1 के इंडेक्स नंबर 2 पे ये तीनों चीज़ें हैं, और इनमें भी इंडेक्स चल रहा है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, और ये 2 इंडेक्स पे है। तो इस तरह से मैं तुम्हें ये विजुअलाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, अभी इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं, चलो कोई एक लिस्ट मैं यूजर से एंटर करवाता हूँ, और इस बार मैं जो यूजर से लिस्ट एंटर करवाऊंगा वो एक 2D लिस्ट होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक लिस्ट बना के रख लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम एक एक करके एलिमेंट्स जोड़ते जाएंगे जो जो यूजर जो है वो एंटर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, ऐसे कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, और हर एक एलिमेंट में कौन सा लिस्ट होगा, मतलब जो भी लिस्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें जानना है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें ये विजुअलाइज करवाया, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये रोज हैं, ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये कॉलम्स हैं, ठीक है, इन्हें कॉलम्स कहते हैं, तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पर मैं रोज और कॉलम्स का हेल्प ले सकता हूँ इन्हें रेफर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रो किसे कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं रो कह रहा हूँ, ठीक है, रो किसे कह रहा हूँ यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे जो बड़ा वाला लिस्ट है उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रोज जो है वो यूजर से एंटर करवा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इंट वैलिडेट टाइप का यूज करूंगा, इनपुट यहाँ मैं लिखूंगा एंटर नंबर ऑफ रोज, या फिर मैं रोज के अलावा और क्या लिख सकता हूँ, एलिमेंट्स इन द आउटर लिस्ट, ठीक है, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आउटर लिस्ट, फॉर आउटर लिस्ट, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं रोज और कॉलम से काम चलाने वाला हूँ, ठीक है, और यही काम मैं कॉलम्स के लिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉल रख देता हूँ, ठीक है, कुछ रख देता हूँ कॉलम्स, चलो यहाँ लिख दिया तो यहाँ भी कर ही देते हैं, क्या ही आलस करें, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ रोज मिल चुके हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स मिल चुके हैं अब तक यूजर से, और अब मेरे को क्या करवाना है, अब मेरे को एक एक करके वैल्यूज एंटर करवानी है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट 1 के पहले इंडेक्स पे, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे घुसूंगा और एक एक करके वैल्यूज प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को पहले बाहर वाला जो लिस्ट है, ठीक है, उसके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, 0 से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, जो यूजर ने बताया मेरे को कितने नंबर ऑफ रोज है, 3, ठीक है ना। इसने मेरे को, यूजर ने अभी बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं अभी रेफरेंस किसके लिए ले रहा हूँ, इसके लिए ले रहा हूँ, ठीक है, इस चीज के लिए। तो यहाँ पर रोज कितने हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लूप भी 3 बार चलवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर मैं 3 बार चलाना चाहता हूँ लूप को, तो 0 से लेकर 0 1 और 2, ये वैल्यूज मैं लिखवाना चाहता हूँ। तो 0 से लेकर मैं चाहता हूँ ये 3 यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, तभी यहाँ पर 0 1 और 2 तक ये लेगा, क्योंकि ये चीज़ तो ये काउंट करेगा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, एक एक करके यहाँ पर वैल्यूज
लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि मैं कहाँ घुस गया हूँ, मैं लिस्ट वन के पहले वाले एलिमेंट में घुस चुका हूँ। तो अगर मैं पहले वाले एलिमेंट में घुस चुका हूँ तो इस जगह पे ये एक एक करके इन वैल्यूज को लेगा, ठीक है। तो एक एक करके वो जीरो तो वाली चीज इस जगह पे लेगा, ये वाली वैल्यू लेगा, फिर इस वैल्यू को लेगा, फिर इस वैल्यू को लेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करवाते हैं, इसके लिए भी हम एक अंदर में एक लूप रखेंगे, समझ गए। तो अंदर में एक लूप रखते हैं, तो अंदर में एक और लूप रखने के लिए अब हम यहाँ पर एक अलग वेरिएबल का यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज ऊपर हमने यूज कर लिया है, तो मैंने फ्लो ऑफ कंट्रोल वाले चैप्टर में तुम्हें बताया था कि हम यहाँ पर जब भी नेस्टेड लूप का यूज करें तो जब तक हमें जरूरत ना पड़े तब तक हम अलग अलग वेरिएबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो रेंज, और इसे भी मुझे कहां तक चलाना है, मुझे जीरो से लेकर थ्री तक चलाना है, ठीक है, क्योंकि जीरो वन और टू ये वैल्यूज हैं। लेकिन तुम यहां पर देख रहे हो कि मैंने यहां पर रोज और कॉलम्स तो अलग से लिया हुआ ना यूजर से, तो फिर मैं यहां से वैल्यूज क्यों उठा रहा हूं, जीरो वन टू थ्री। तो चलो चेंज कर देते हैं इसे, तो जीरो से लेकर देखो मान लेते हैं यहां पर नंबर ऑफ रोज उसने डाल दिया, क्या नंबर ऑफ रोज उसने थ्री डाला, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स भी उसने थ्री डाल दिया, तो भी यहां पर वही हो जाएगा, कॉलम्स ही हो जाएगा, ठीक है। कॉलम्स प्लस वन या फिर रोज प्लस वन मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं काउंटिंग जो है वो जीरो से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, समझ आ रहा होगा तुम्हें। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है। देखो हम इस जगह पे आ चुके हैं और इस जगह पे भी आ चुके हैं, अब हमें एक एक करके वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो अब हम यहां पर वैल्यूज लेते हैं, अब यहां पर हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मुझे इस चीज को एक्सेस करना हो तो एक्सेल में मुझे कैसा एक्सेस करना होगा, मैं क्या करूंगा, यहां पर बी टू कह रहा हूं मैं इसे, ठीक है। एक्सेल में नॉर्मल यही है ना, इस सेल को मैं अगर एक्सेस करूं तो ये बी टू हो गया, लेकिन मैंने यहां पर अलग से इंडेक्सिंग बनाई हुई है, तो उस हिसाब से मैं इसे कैसे एक्सेस करूंगा, जीरो और जीरो। तो ये एलिमेंट जीरो जीरो में है, ये एलिमेंट जो है वो वन और सॉरी जीरो और वन में है, ठीक है। इस तरह से मैं इसे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं बाहर वाली लिस्ट इसको कह रहा हूं, ठीक है, ये बाहर वाली लिस्ट है और ये अंदर वाली लिस्ट के लिए है, ठीक है ना। और तुम यहां पर एक चीज देख रहे होगे कि बाहर वाली लिस्ट तो है लेकिन अंदर में जो चीजें हैं वो भी एक लिस्ट है। तो बाहर वाली लिस्ट के लिए मैंने यहां पर एल डिफाइन करके रखा हुआ है, लेकिन मैं यहां पर एक टेम्परेली एक और लिस्ट यहां पर डिफाइन कर देता हूं L1 नाम से, ठीक है, जिसमें कि मैं तीन वैल्यूज असाइन करूंगा और उसके बाद तीनों को फिर डाल दूंगा, ठीक है ना। क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, तीन वैल्यूज असाइन कर रहा हूं, तीन वैल्यूज जिसमें मैं डालूंगा और फिर उस लिस्ट को मैं उसमें डाल दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूं एक एक करके वैल्यूज भी डाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं काम करता हूं, मैं एक टेम्परेली एक मैंने यहां पर लिस्ट बना दिया, ठीक है, और इसमें मैं स्टोर करूंगा चीजों को और उसके बाद लिस्ट को उठा के मैं उसमें डालूंगा, या फिर मैं इस चीज का नाम मैं रो कर देता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो एक रो बन जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। अब मैं यहां पर आ चुका हूं, अब मेरे को वैल्यूज लेनी है यूजर से। तो यहां पर मैं वैल्यू के लिए यहां पर वी नाम का एक डेटा टाइप वेरिएबल ले लेता हूं और इक्वल टू, अब मैं यहां पर इंट लिखता हूं, इंटीजर वैल्यूज लेंगे हम, उसके बाद फिर इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, इनपुट लिखने के बाद यहां पर मैं लिखूंगा एलिमेंट एट एट, और बाहर की जो, देखो बाहर में क्या होगा एड्रेस, सबसे पहला बाहर में जो सबसे पहला एड्रेस चल रहा है वो बाहर क्या है, जीरो, ठीक है। तो आई चल रहा है तो यहां पर आई लिखेंगे, ठीक है। मेरे को सबसे पहले किसके लिए चाहिए, जीरो कॉमा जीरो के लिए चाहिए, ठीक है। यहां पर तुम देख सकते हो जीरो के अंदर मेरे को जीरो के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं एलिमेंट एट जीरो कॉमा जीरो लिखूंगा, ठीक है, तो जीरो, और फिर यहां पर ये हो जाएगा, फिर मेरे को स्ट्रिंग के अंदर यहां पर ये कॉमा डालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद मेरे को ये डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से मुझे, सॉरी यहां पर मेरे को जीरो नहीं लिखना चाहिए, मेरे को यहां पर आई लिखना चाहिए, ऐसे जीरो तो फिक्स हो जाएगा। यहां पर मैंने आई लिख दिया, यहां पर भी मैं आई, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जीरो कॉमा जीरो। तो अब देखो यहां पर जो मैं इंडेक्स डालना चाह रहा हूं वो अंदर वाली लिस्ट के लिए, तो अंदर वाली लिस्ट यहां पर चल रही है, ठीक है। तो अब ये कहां से शुरू हो रही है, ये जीरो से शुरू हो रही है, ठीक है, तो ये भी सही जा रहा है। तो इसके लिए भी हम यहां पर, अब यहां पर हम जे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने जे लिख दिया, आई कॉमा जे, उसके बाद फिर लिखा हुआ आना चाहिए इज, और उसके बाद फिर ये और ये, या फिर इसको हटा देते हैं, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके इनपुट आ जाएगा। अब इनपुट आ चुका है तो मेरे को जब एक एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है,
एक एलिमेंट जब मेरे को मिल चुका है तो मेरे को इसी तरह से सिमिलरली और तीन एलिमेंट्स लेना, और तीनों को मेरे को क्या करना है कि एक लिस्ट मेरे को बनानी है, और ये जो लिस्ट मैंने बनाई है वो बड़े वाले लिस्ट के अंदर मेरे को स्टोर करनी है, ठीक है। तो ये लिस्ट मेरे को बनाना है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को एंटर करवा लिया, उसी तरह ये भी एंटर हो जाएगा, उसी तरह ये भी एंटर हो जाएगा, सॉरी ये भी एंटर हो जाएगा, और इसको मेरे को एक लिस्ट में बनाना है। तो उसके लिए मैंने जो ये बनाया है यहाँ पर, ये मैंने उसके लिए ही बनाया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस एलिमेंट को, यानी जो वी है मेरा, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, किसमें, रो में, ठीक है। तो रो डॉट अपेंड कर सकता हूँ मैं, अपेंड, अपेंड फंक्शन हम तुमने पढ़ा था, ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं। तो ये मैंने कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि अपेंड हो गया रो में वी, यानी कि पहली वैल्यू गई, इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी जाएगी, इसी तरह से तीसरी वैल्यू भी जाएगी, और ये सारा बन के रो में स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब ये जो रो नाम का जो लिस्ट बना है वो अब लूप से बाहर जाके, जब लूप खत्म हो जाए तो रो किस में जुड़ जाए, रो जो है वो एल में जुड़ जाए, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट का था एल, ठीक है। तो एल डॉट अपेंड, ठीक है, और यहां पर मैं रो डाल दूंगा। कर दिया मैंने ये। यहां पर ये चीज मैंने गलती की हुई है कि मैं जब भी यहां पर इनपुट फंक्शन का यूज करूं, ठीक है, ये एक सिली मिस्टेक हो गया मेरे से। तो जब भी मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूं तो उसके अंदर मैं वेरिएबल्स को नहीं डाल सकता, ठीक है। वेरिएबल्स को अगर मेरे को डालना है तो उसे मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसमें मेरे को यहाँ पर इसे स्ट्रिंग में पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद अब मैं फाइनली इसे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर तुम स्ट्रिंग डाल सकते हो, और स्ट्रिंग डाल रहे हो तो यहाँ पर तुम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करवाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन होगा। यहाँ पर तुम वो वेरिएबल वाले काम यूज़ नहीं कर सकते जब तुम इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है, हो गया। और कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब जरा मैं इसे रन करके दिखाता हूँ तुम्हें, जहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया था वहाँ तक करके बताता हूँ। 3,3 और एंटर एलिमेंट एट 0,0, थोड़ा बेकार सा लिखा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ा सही करते हैं। यहाँ पर ये प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। अब ज़रा फिर से इसे रन करते हैं, थोड़ा अच्छा प्रोग्राम बने हमारा इसलिए। एंटर नंबर ऑफ रोज 3, ये भी 3। हाँ, अब लिखा हुआ अच्छा आ रहा है, एलिमेंट एट 0,0। 0,0 में क्या है, 1 है, ठीक है, 1 लिख दिया। 0,1 में 2 है, 2 लिख दिया। 5 है, 5 लिख दिया। फिर अब देखो यहाँ पर 1, यानी कि बाहर में ये जो पहला इंडेक्स है इस पे आ गया ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4, 4 के बाद है 3, 3 के बाद क्या है 5, ठीक है, उसके बाद क्या है 6, 6 लिख दिया, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7, ठीक है। तो अब मेरे पास ये लिस्ट आ चुका है। क्या ये यही लिस्ट है? हाँ, ये यही लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक 2D लिस्ट यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये तुम्हारे एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं इसके, तो इसको तुम देख कर जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊँ कि अगर तुम्हें यहाँ पर 2D लिस्ट में अगर कोई एक वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे यहाँ पर? मान लेते तुम्हें यहाँ पर ये 3 चेंज करना है, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, तुम ये काम कर सकते हो। L1 के इंडेक्स नंबर 1 पे जो लिस्ट है उसके इंडेक्स नंबर 1 पे 3 है, तो 3 को चेंज करना था, उसको मैं चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, ठीक है। चेंज कर दिया। अगर मैं अब प्रिंट कर रहा हूँ L को, सॉरी L1 को, तब क्या हो रहा है? तो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से तुम चेंज कर सकते हो 2D लिस्ट में। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, अब लास्ट टॉपिक हमारा आ चुका है जो कि है वर्किंग विथ लिस्ट। तो देखो, वर्किंग विथ लिस्ट में जो भी चीजें थी अब तक, जो भी मैंने तुम्हें मेथड्स एंड फंक्शन बताए थे, वो सब कुछ सब सेम टू सेम है। बस यहाँ पर एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा आती है, डिलीट, ठीक है, सॉरी डिलीट, हाँ डिलीट, डिलीट वो वेरिएबल डिलीट करने का डिलीट नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो जैसे कि इसको अगर मैं हटा दूं और एल इक्वल्स टू मैं यहाँ पर एक नया लिस्ट बना दूं, तो 1,2,3,4,5,6, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक नया लिस्ट। और इसमें मैं अगर कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहूँ तो वो कौन सी चीज़ें होंगी? मान लेते हैं अगर मैं सिर्फ वेरिएबल के लिए लिख दूँ एल, ठीक है, अब क्या होगा? अब अगर मैं कोई भी काम करवाऊँ एल पे, ठीक है, मान लेते हैं एल को प्रिंट ही करवा लेते हैं, तो ये मेरे को बोलेगा कि एल तो है ही नहीं, ठीक है, ये कह रहा है कि एल तो है ही नहीं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ डिलीट के बारे में। तो डिलीट की जगह पे यहाँ पर तुम इंडेक्सेस भी रख सकते हो, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर मान लेते हैं मेरे को फोर्थ इंडेक्स वाली चीज़ डिलीट करनी है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर वो भी कर सकते हो। फोर्थ इंडेक्स नहीं, सॉरी, मतलब ये इस फोर वाले जो एलिमेंट है इसको तुम्हें डिलीट करना है, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर तुम थ्री लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अब रन करूँ तो तुम देख सकते हो लिस्ट जो है वो डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिस्ट का जो एलिमेंट है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। और ये तो हो गया, और एक और बात कि यहाँ पर तुम स्लाइसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 से लेकर मान लेते तुम्हें यहाँ तक की वैल्यूज डिलीट करनी है, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया ना, तो यहाँ पर तुम अगर 4 लिखते हो तो क्या होता है, क्योंकि 4 को तो ये लेगा नहीं, तो यानी कि ये सिर्फ 3 वाली 3 को, यानी कि थर्ड इंडेक्स पर जो कि, यानी कि सिर्फ ये 4 को हटाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इसने सिर्फ 4 को हटाया। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज को हटाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, ठीक है, और 4 को ये फिर काउंट नहीं करने वाला। तो अब मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज हट जाएगी, फिर प्रिंट होगा 1, 5, 6, ठीक है। रुक जाओ, मैंने सेलेक्ट, मैं जब भी देखो यहाँ पर सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो फिर यहाँ पर मेरे को कुछ भी बेकार सा आउटपुट आता है, तो इसलिए मेरे को पूरे कोड को रन करना है, तो उसके लिए मैं या तो कुछ ना सेलेक्ट करूँ, या फिर मेरे को अगर पूरे कोड को रन करना है तो मैं सबको सेलेक्ट करके रन करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके रन करता हूँ तो 1, 5, 6 आ गया, ठीक है। तो 1, 5, 6 क्यों है, क्योंकि 2, 3 और 4 जो है वो डिलीट हो चुका है। तो ये था डिलीट, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने तुम्हें बता दी। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर, और इस तरह से चैप्टर खत्म होता है तुम्हारा। इसके बाद दो और चैप्टर बच रहे हैं, टपल्स और डिक्शनरीज, तो वो भी मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, वीडियोस आ जाएंगी और तुम्हें सब कुछ समझ आ भी रहा होगा।